हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम एक्स मनी। अगर आप लोग मेरे चैनल टाइम एक्स मनी पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे काफ़ी सारे स्टॉक्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, जहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे। मार्केट में अभी काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो उसी तरह आज मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसको हमने डेली बेसिस पे चार्ट ओपन कर लिया है इसका, और आप लोग 256.75 इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यानी कि 257 रुपीज़ चल रहा है। मार्केट अभी ओपन है और एक हाई बनाया था इसने कल के डेट में 283 का। इसने आज ही के दिन में मॉर्निंग में बनाया था और कल के दिन में भी इसने ऑलमोस्ट हाई बनाया था 280 का। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट देने का लिए रेडी है। यहाँ से एक स्टॉक में इसमें आप लोग काम कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री आप लोग ले सकते हैं। 251 के लेवल्स पे स्टॉक अगर आपको अपसाइड में दिख रहा है तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में ले सकते हैं फ्रेश एंट्री। टारगेट की हम लोग बात करें तो 283 का टारगेट, यानी कि पिछला जो हम लोगों का हाई था उसका टारगेट आप लोग ले सकते हैं, और जैसे ही 283 कंप्लीट होगा उसके ऊपर और स्टॉक निकल जाएगा। ये स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 250 का। इसके नीचे का स्टॉक जाएगा तो आप लोग यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन 250 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा और डेफिनेटली दिखाएगा। आप लोग बस वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग बाई कर सकते हैं। तो अभी जो एनालिसिस किया उस पर ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल्स पे अगर चलिए इसका, तो मार्केट का आप लोग देख रहे हैं 3130 करोड़ का है इसका, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.3। वहीं पर देखिए इसका आरओई है 15.9, काफ़ी बेहतरीन शो कर रहा है। और इसके कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी अपना डेट घटाई भी है, तो बहुत अच्छा साइन इसमें दिख रहा है। और इसका सेल्स का अगर बात करें तो सेल्स में देख रहे हैं कितना इजाफा देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में यही कि प्रोमोटर्स ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं पिछले दो साल में, 67.91 का ही इसने रखा है। वहीं पर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना स्टेक को बढ़ाया है, और DIS ने भी चेंजेस नहीं किया और पब्लिक ने भी थोड़े से चेंजेस किए हैं। ओवरऑल अगर चार्ट पे फिर से हम चले तो जो भी एनालिसिस करके हमने बताया है कि 250 का आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, करेंट मार्केट प्राइस पे लीजिए। और जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल को निकलता है 260 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है और 283 के ऊपर भी अगर निकल जाता है, तो आप लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में और भी पैसे बनाने के। क्योंकि जिस टाइप से अभी मार्केट 21 जून को ये 199 था और वहाँ से लेकर के 280 तक का मूवमेंट इसने दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। तो इस वीडियो का जो भी एनालिसिस करके हमने बताया है उसको आप ध्यान में दीजिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक जुड़े रहिए टाइम एक्स मनी से, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।